हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं अपने गार्डन का अपडेट शेयर करने वाली हूँ, पूरा ओवरव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो टेरेस से लेकर बालकनी तक का पूरा ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूँगी और सारे प्लांट्स जो हैं दिखाऊँगी। तो वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है इस समय हो रही है पूरे ही गार्डन में, तो वही आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो नाम नहीं बताऊँगी, ज़्यादा टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए मेरे प्लांट्स, और थोड़ा सा सेटअप भी चेंज किया है अपने गार्डन का, तो भी आप लोग देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। तो इस तरह से मैं आपके साथ में पूरा पहले शेयर कर देती हूँ चारों तरफ से किस तरह का अरेंजमेंट जो मैंने अपने गार्डन का किया हुआ है, फिर आपको मैं दिखाती हूँ पास से। दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, यहाँ हॉलीहॉक के प्लांट्स मैंने रख दिए हैं। इधर ये स्टैंड रखा हुआ है जिसमें कुछ प्लांट रखे हुए हैं। ये चाइनीज़ टिकोमा का प्लांट है, और इधर जो मैंने सीड से ग्रो किए थे हॉलीहॉक के कुछ प्लांट, वो भी अच्छे से ग्रो हो गए हैं, इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। और ये कैलेंडुला, और देखिए मैंने सीड से ग्रो किया था पिटूनिया का प्लांट, ये भी ग्रो हो गया है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है अब। और इधर ये रखा है जट्रोफा का प्लांट, और इधर से रखा है ये हिबिस्कस, देसी वाला हिबिस्कस। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है इस समय प्लांट्स में होने लगी है, चाहे वो देसी वाला हो या फिर हाइब्रिड वाला हो। दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, ये सारे साल्विया के प्लांट रखे हुए हैं, इनमें फिर से फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है इस समय ये प्लांट कर रहे हैं। पिटोनिया देखिए कितने सुंदर खिल रहे हैं इस समय, हालांकि धूप बहुत ही तेज़ होने लगी है और वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है, लेकिन जो है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी। और ये रखे हैं सारे ग्लाडिया के प्लांट, जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है समर का। तो इस तरह से कुछ जो है अरेंजमेंट मैंने कर दिया है अपने टेरेस गार्डन का, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इस समय हो रही है सारे प्लांट्स में। ये देख कितना सुंदर खिल रहा है, ये बीज से अपने ही आप ग्रो हो गया था, इसका नाम मैं जो है अक्सर भूल जाती हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है यह। और ये गजानिया देख कितना सुंदर खिला हुआ है अभी, तो वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने लगी है। मैंने प्लांट्स को अभी छाँव में नहीं रखा है, सब टेरेस पे ही रखे हुए हैं। और देखिए ये प्लांट में सूखा हुआ लग रहा था कुछ दिन पहले, इनमें भी नई नई जो शूट्स हैं निकलने लगी हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ये भी करता है प्लांट, टिकोमा का प्लांट है ये। तो इस तरह से कुछ सेटअप मैंने कर दिया है, सारे प्लांट इस तरह से एक लाइन से लगा दिए हैं। ये ग्रीन लिली, करी पत्ता, ये सारे समर के प्लांट रखे हुए हैं आप देख पा रहे हो। देखिए फ्रेंड्स ये जट्रोफा का प्लांट है, और मैंने इसमें ये ओनियन के थोड़े से लगा दिए थे ये, तो देखिए कैसे ये खिल रहा है बिल्कुल, ये फ्लावर भी निकला हुआ है इसका। मिर्ची गुड़हल अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, सारे समर के प्लांट जो हैं अच्छे से ग्रोथ करने लगे हैं। ये अलमंडा के प्लांट ये भी ग्रोथ पर आ गए हैं, मैक्सिमम पिटोनिया देखिए खिलने लगा है अच्छे से पर्पल कलर का, देखिए सीड भी बनने लगे हैं इसमें, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सारे प्लांट। इधर कुछ कटिंग्स रखी हुई हैं मेरी, तो इधर का व्यू कुछ इस तरह से आता है। ये सारे इंडोर प्लांट जिनको कम धूप चाहिए होती है वो इधर रखे हुए हैं सारे, तो इधर का व्यू कुछ इस तरह से आता है। मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, ये देखिए ये बुद्धा जी बैठे हैं, सारे कोलियस के प्लांट रखे हुए हैं यहाँ पर, स्पाइडर प्लांट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, और देखिए मैंने ये मॉर्निंग ग्लोरी के जो सीड हैं डाले थे तो काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। इसके बेल जो है देखिए चढ़ने वाली है, ये जाली मैंने इसे लगाई हुई है कि इसी जाली पर जो है जो बेल वाले प्लांट होते हैं वो चढ़ जाते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने बालकनी गार्डन की तरफ, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, सारे कनेर के प्लांट रखे हैं, बोगनविला के प्लांट रखे हैं, और ऐसे इधर से ही हम लोग चलेंगे अपने बालकनी की तरफ। तो यहाँ सारी हैंगिंग टंगी हुई है मेरी, पिटोनिया की हैंगिंग बास्केट हैं, ऑर्चिड प्लांट है इस तरह से। तो इस तरह से पूरा व्यू जो है मेरे गार्डन का, टेरेस गार्डन का आता है। और अब हम लोग चल रहे हैं बालकनी गार्डन में, तो ये सारे प्लांट्स को आप लोग देखिए कितने सुंदर ब्लूम हो रहे हैं। और ये स्पाइडर प्लांट देखिए मैंने बास्केट में लगाया था, कितना अच्छा ग्रो हो रहा है,
बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इधर रखे हैं सारे में सदाबहार के प्लांट्स, काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग जो है इस समय हो रही है। और ये मेरे कटिंग से लगाए डेनियम के प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिए थे, सब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इधर देखिए कितना सुंदर व्यू जो है आ रहा है, पूरा बालकनी गार्डन जो है मेरा फूलों से भरा हुआ है। दिखाती हूँ, देखिए ये बास्केट में लगा हुआ है एलाइजम के प्लांट, और ये कामनी के प्लांट लगे हुए हैं, ये कुंद का प्लांट कितनी अच्छी फ्लावरिंग देखिए कर रहा है इस समय, ये नेचर वाली कामनी का प्लांट है, ये गंधराज, और ये हिबिस्कस के प्लांट। और इधर आपको दिखाती हूँ ये हिबिस्कस हाइब्रिड वाला, एक ही साथ कितने सारे फ्लावर भी खिले हुए हैं, एक ही प्लांट में चार फ्लावर खिले हैं बिग साइज़ के। वो कितना छोटा सा प्लांट है, कितनी सारी कलियां जो है इसमें बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। दोस्तों ये आप देख पा रहे हो ये मैंने एडेनियम के प्लांट जो रिपोर्ट किए थे, ये मदर प्लांट हैं, ये भी अच्छे से ग्रोथ जो है स्टार्ट कर दी है इन सभी प्लांट्स ने अपनी। यह है बिस्कस, और ये सारे पिटोनिया खिल रहे हैं, कितने सुंदर ब्लूम हो रहे हैं अभी। तो पूरा जो बालकनी से लेकर टेरेस तक जो है पूरा फूलों से भरा हुआ है, और ये कनेर कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, ये पूरा इतना लंबा हो गया है कि झुक सा जाता है प्लांट, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। चांदनी भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है इस समय, और नाग चंपा भी अपने ग्रोथ पर आ गया है, और ये बोगनविला वाइट वाला है। इधर ये आप देख पा रहे हो ऑरेंज टिकोमा जो फुल ब्लूमिंग पर है, कितनी अच्छी ब्लूमिंग देखिए हो रही है, कितना सुंदर प्लांट लगता है, गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं ऐसे, बहुत ही अच्छा लगता है प्लांट जो है समर का। और इधर ये मोगरा रखा हुआ है, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये जोरा रेड वाला। तो टेरेस से लेकर बालकनी के सारे ही प्लांट जो हैं बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है हो रही है, पूरा गार्डन जो है फूलों से भरा हुआ है, आप देख पा रहे हो कितना सुंदर जो है लग रहा है देखने में। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, लाइक करना मत भूला करिए, और कैसा लगा मेरा गार्डन अपडेट और मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को कमेंट से बहुत ही उत्साह मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है, तो पूरा वीडियो जो है देखिएगा और कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे। मिलते हैं नए वीडियो में फ्रेंड्स, तो टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।